बिल्कुल, देखिए कई सालों के बच्चों की मेहनत है और कई ज्यादा अफेक्ट जो है वो स्टूडेंट्स होते हुए नजर आते हैं। सीधा बात करते हैं स्टूडेंट्स से कि क्या चाहते हैं आप, आपको लगता है रीनीट होना चाहिए या फिर उसी को कंटिन्यू करना चाहिए? मैं हमें लगता है रीनीट होना चाहिए क्योंकि सर बहुत फ्रॉड किया गया हमारे साथ। पहले तो ये है कि 720 में 720 इतने सारे बच्चों के हैं, पिछले 2-3 साल से मैक्सिमम 2-3 बच्चे आते हैं जिनके 720 आते हैं। और दूसरी बात ये, अभी जांच हो रही है और इन्हें काउंसलिंग रुकी भी नहीं है, तो हमारे हिसाब से रीनीट होना चाहिए क्योंकि बहुत बच्चों ने सफर किया है। जी न्यूज़ आपकी बच्चों की आवाज़ को सरकार तक पहुंचा रहा है डायरेक्ट, क्या आप सरकार से मांग करते हैं? मैम, हम यही चाहते हैं कि जो भी अनजस्टिस हुई है सब लोगों के साथ, उनको न्याय दिया जाए। आप क्या चाहते हैं कि रीनीट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? रीनीट होना ही चाहिए, जैसे इन्होंने छुपाने की कोशिश करी है, धांधलियां छुपाने की कोशिश करी है। ठीक है, समीक्षा में आपके पास लौटूंगा। एक और बड़ी खबर आ रही है, बिहार की ईओयू जो आज दिल्ली में शिक्षा मंत्रालय को नीट परीक्षा पेपर लीक को लेकर रिपोर्ट सौंपने जा रही है। सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ईओयू ने अपनी रिपोर्ट में पेपर लीक की पुष्टि कर दी है, पेपर लीक की पुष्टि कर दी है ईओयू ने। सूत्रों के मुताबिक जो हमें जानकारी मिल रही है, ईओयू के एडीजी नैयर हसनैन खान आज दिल्ली आने वाले हैं, नीट पेपर लीक में जांच की रिपोर्ट आज वो शिक्षा मंत्रालय को सौंपेंगे। बिहार में ईओयू नीट पेपर लीक मामले की जांच कर रहा है और ईओयू की जांच में लगातार कई बड़े खुलासे हो रहे हैं जो जी मीडिया लगातार आपको दिखा भी रहा है।